आज मैं लेकर आया हूँ जबरन इसके तरफ से Asta 20। ये इस तरह से कुछ आता है, साउंड बार की तरह दिखता है, मिनी साउंड बार भी आप इसको बोल सकते हो। तो वैसे तो इसमें ना दो स्पीकर्स और दो रेडिएटर मिल जाते हैं, तो उस वजह से ना बेस भी क्वालिटी से बजाता है। इसके ना और भी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इसको मैंने और स्पीकर्स के साथ भी कंपेयर किया है, तो वहाँ पर भी ये ना विनर है। तो इसके बाद हम इसके फीचर्स बताएंगे और इसके बाद ना एक स्मॉल साउंड टेस्ट भी करेंगे ताकि आपको भी साउंड क्वालिटी पता चले। और वैसे ये स्पीकर ना बहुत ही अच्छा है, मतलब इसको मैंने पानी के साथ भी ट्राई किया था। ये जो कैप है ना, कैप निकाल के मैंने इसके ऊपर पानी डाल के देखा था कि इसका बेस वाइब्रेशन कितना है, तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पे भी है, आप जरूर देखिएगा। और थोड़ा बहुत पानी ये सहन कर लेता है, लेकिन इसमें ना IP रेटिंग है नहीं, मतलब वाटरप्रूफ की कोई भी रेटिंग है नहीं है, तो आप इसको ट्राई मत कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो ब्लूटूथ 5.0 की टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिल जाती है, 10 मीटर तक की रेंज आपको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कनेक्टिविटी, मतलब आपको ना कनेक्टिविटी में ना सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, मेमोरी कार्ड, USB, ऑक्स और ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ों से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और आपको ना फिजिकली बटन्स भी मिल जाते हैं जिससे आप ऑपरेट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है TWS, मतलब दो स्पीकर आप कनेक्ट करके बजा सकते हो, मतलब आपको मिलने वाला है डबल आउटपुट। आप अगर इसको साउंड बार की तरह कंसिडर कर रहे हो ना, तो आप दो स्पीकर जरूर कर दीजिएगा, और आप अपने TV में भी कनेक्ट करके बजा सकते हो क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है ऑक्स आउटपुट। तो अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। वैसे कितने MAH की है ना वो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन 10 आवर्स तक का बैकअप ये आपको दे देगी, वैसा ही उन्होंने मेंशन किया है। वैसे जेब्रोनिक्स ना हमेशा अपने स्पीकर पे लिखते हैं बैकअप ज़्यादा लिखते हैं, और नीचे लिखते हैं कि 50% वॉल्यूम के साथ, मतलब आपको ये सिर्फ 5 आवर्स तक का बैकअप दे देगी अगर आप 100% वॉल्यूम के साथ इसको बजाओगे। उसी के साथ आपको एडिशनली ना कॉल फंक्शन भी मिल जाता है, मतलब इन्होंने इसमें इनबिल्ट माइक भी दे दिया है जो आप अपने मोबाइल कनेक्ट करके बातें भी कर सकते हो। और उसी के साथ आपको FM रेडियो भी मिल जाता है, मतलब सारे फीचर्स और कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। FM रेडियो मतलब कोई भी फीचर इन्होंने मिस नहीं किया है। ऐसा कुछ आपको बॉक्स मिल जाता है Asta 20 का, जहाँ पर आपको ना सारे डिटेल्स मिल जाएंगे जो मैंने आपको पहले ही बताए थे। और उसी के साथ आप ना 32 GB का ही मेमोरी कार्ड इसमें यूज कर सकते हो, और उसी के साथ USB भी सेम 10 वाट आउटपुट, और उसी के साथ सारे यहाँ पर डायमेंशन भी मेंशन कर दिए, और वेट भी 624 ग्राम है। ब्लूटूथ 5.0 पैसिव रेडिएटर, ठीक है, ड्यूअल है जैसे कि मैंने बताया था, और 52 mm के ड्राइवर्स है। बॉक्स के अंदर आपको ना एक USB केबल मिल जाती है और ऑक्स केबल, ऑक्स टू ऑक्स केबल, ऐसा कुछ आपको स्पीकर मिल जाता है। आगे की तरफ ब्रांडिंग, ऊपर आपको सारे बटन्स मिल जाते हैं, नेक्स्ट प्रीव्यू, फंक्शन चेंज करने के लिए, और ये मोड भी है। पीछे आपको ना सारी कनेक्टिविटी भी मिल जा रही है, ऐसे कुछ आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। और स्पीकर की साइज आप देख रही है इतनी बड़ी है, ठीक है, आप इसको ऐसा भी और ऐसा भी रख सकते हो फ्रंट की तरफ, और साउंड बार की तरह भी यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं साउंड टेस्ट के बारे में, मतलब इसके बाद हम करेंगे साउंड टेस्ट। आप हेडफोन पहन लीजिएगा ताकि आपको भी क्वालिटी समझ सके, और मैं बेस वाले गाने बचा के देखूंगा। आपको अगर बेस वाइब्रेशन देखना है ना, तो मैंने वो अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन भी मैंने URL डाल दी है, और ऊपर भी मैंने इन्फो में ना इस स्पीकर के रिलेटेड और भी कुछ वीडियो है वो भी मैंने ऐड कर दिए, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो इसके बाद करते हैं साउंड टेस्ट, आप हेडफोन पहन लीजिएगा, और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर ये प्रोडक्ट आपको लेना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने URL डाल दी। तो कैसा लगा आपको इसका साउंड टेस्ट, है ना वाकई बेस्ट क्वालिटी वाला, ये आउटपुट बहुत ही ज्यादा है। क्वालिटी लेवल थोड़ा सा आपको वीक लगेगा, क्योंकि जब आप 100% पे इसको बजाते हो ना,
थोड़ा सा डिस्टॉर्शन का इशू आता है, मतलब डिस्टॉर्ट होता है। तो आप इसको 100% भी मत बजाओगे, 90% या फिर 80% तक आप इसको बजाओगे ना, तो भी आपको आउटपुट बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। वैसे इसके प्राइस ना बहुत ही कम है ना, मैं आपको इसके प्राइस बता देता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरीके से कंपेयर कर पाओगे। तो मैंने इसको लिया है 1000 रुपये में, तो 1000 रुपये के हिसाब से ना उन्होंने इसमें क्वालिटी दे दी है। थोड़ा सा डिस्टॉर्शन इशू आएगा ही, अगर आप 1000 रुपये का ले लोगे ना तो वैसा ही इशू आएगा। आपको अगर प्रीमियम कोई लेना है ना तो आप जेब बीटा प्लस स्पीकर ले लीजिएगा, वही जेब्रोनिस का ही कंपनी का आता है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है उसमें। इसमें आपको थोड़ा सा वीकनेस लगेगा लेकिन आउटपुट बहुत ही ज़्यादा है। आप अगर हाई बेस वाले गाने बजाओगे ना तो इसमें ये इशू आने वाला है, लेकिन ओवरऑल आपको पैकेज बहुत ही अच्छा मिल जाता है। 1000 रुपये में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही ना जो किसी भी कंपनी में नहीं मिलती, तो आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। 1000 रुपये तक आप अगर कोई स्पीकर सर्च करें ना तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा।